कि काम क्रिया के निर्धारण का तो सदन नहीं है, जो पशु भी जानता है ये कौन होते हैं बताने वाले। क्षमा मांगने से क्या होता, आज क्षमा मांगे कोई बात हुई, मां को गाली देकर फिर क्षमा मांगो, उसी समय जब भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, बयान देते समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट ली गई। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है जगत गुरु राम भद्राचार्य का। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरे दिन ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसी अश्लील टिप्पणी कर जाते हैं, जिसके बाद से बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गर्मा जाती है। ये मुद्दा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अब तो विदेशों में भी छा गया है, जहाँ अब विदेशों से भी नीतीश कुमार के लिए टिप्पणी आने लगी है। अब इस पूरे मामले में जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ने महिलाओं पर दिए अपने विवादित बयान पर वो खुद शर्मिंदा है, कहते हैं कि हम अपनी निंदा करते हैं और जो मेरी निंदा कर रहा है हम उसका अभिनंदन भी करते हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार ने सदन के बाहर, सदन के भीतर, विधान परिषद में, विधानसभा में, हर जगह बार-बार हाथ जोड़कर अपने दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगते नजर आ रहे थे, शर्मिंदा नजर आ रहे थे। लेकिन इन पर अभी भी, इस मुद्दे पर राजनीति ठंडाने की नाम नहीं ले रही है, खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें इस्तीफा चाहिए, नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और अब तो इसमें जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी अपनी टिप्पणी कर दी है। जगत गुरु राम भद्राचार्य का कहना है कि जब वो सदन में इस अश्लील बातों को कर रहे थे, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उसी वक्त उनकी जीभ क्यों नहीं काट ली गई। आपको हम राम भद्राचार्य की तमाम बातों को सुनवाते हैं कि सुनिए किस तरह से नीतीश कुमार की जीभ काटने के बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने की है। कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को हो क्या गया है, ये मुझे समझ में आया नहीं। इस गलती पर तो राज्यपाल को चाहिए था कि वो तत्काल अपने तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते, या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता, दो में एक होता। माने इतना निम्न कोटि का भाषण अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बिहार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए मित्रों, बिहार मूर्ख नहीं है। श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर, लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद अशिष्ट है, पर इतनी अशिष्टता लालू प्रसाद ने भी अपने वक्तव्य में कभी नहीं की, मैं मानता हूं। इस व्यक्ति ने तो पूरी शिष्टता को ही ताक पर रख दिया। ये चाहता क्या है समझ में आता नहीं। पूरा इतिहास देख लीजिए, रामायण काल में इतना अशिष्ट कोई बोल नहीं सका, महाभारत काल में केवल दुर्योधन ने द्रौपदी जी के लिए एक अशिष्ट वाक्य बोला था, पर वो भी इतना अशिष्ट नहीं था। ये तो पूरा प्रजनन क्रिया की प्रक्रिया को ही ये बोल गया मूर्ख। तो क्या बिहार का सदन काम शास्त्र की व्याख्या का सदन है कि नीति शास्त्र की व्याख्या का सदन है, मुझे नहीं समझ में आया। सदन होता है देश और प्रदेश की नीति निर्धारण के लिए, एक काम क्रिया के निर्धारण का तो सदन नहीं है। जो पशु भी जानता है ये कौन होते हैं बताने वाले। क्षमा मांगने से क्या होता, आज क्षमा मांगे कोई बात हुई, मां को गाली देकर फिर क्षमा मांगो, उसी समय
जब भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई? भारत सरकार ने बिहार के विधान परिषद को वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या करने के लिए कहा, वो भी वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या नहीं है, ये तो कुत्तों की व्याख्या है, ये मनुष्य की व्याख्या ही नहीं है। ये कुत्ता भी शिष्टता रखता है। कल तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई शिष्टता नहीं रखी। तेजस्वी बाबू स्पष्टता कर रहे हैं कि आपने साइंस में जो पढ़ा वही तो कहा, तो क्या वही शास्त्र पढ़ाने मुख्यमंत्री आए विधानसभा में, विधान परिषद में भारतीय संविधान के प्रयोग की व्याख्या की जाती है। वो काम संविधान के प्रयोग की व्याख्या तो नहीं की जाती विधानसभा में।